सो हे गाइज, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल एंड वेलकम टू माई न्यू वीडियो। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं निफ्टी की एक ऐसी स्ट्रैटेजी जिसको यूज़ करके हम लोग ऑप्शंस में अच्छा खासा पैसा बना सकते हैं। सो इस स्ट्रैटेजी का नाम है डिप्लॉय लॉन्ग पुट बटरफ्लाई स्प्रेड। अभी ये स्ट्रैटेजी कब हम अप्लाई कर सकते हैं, जब मार्केट का ट्रेंड जो है वो डाउन ट्रेंड होगा, तभी जो है वो हम लोग इस स्ट्रैटेजी को यूज़ में रख के प्रॉफिट बना सकते हैं। तो अगर हम लोग देखें तो अभी 11,337 के पास क्लोजिंग आई है। आज भी निफ्टी की बहुत ही बुरी क्लोजिंग मिली है हमें, और मैंने अभी वीडियो भी बनाया है निफ्टी के लिए कल के लिए। अगर वो वीडियो आप लोगों ने नहीं देखा है तो उसका लिंक जो है वो मैं आई बटन में आपको प्रोवाइड कर दूंगी। उस वीडियो में मैंने निफ्टी और बैंक निफ्टी के बारे में कल के लिए हमारे जो सपोर्ट रेजिस्टेंस है उसके बारे में बताया है। आज अगर आप देखोगे तो मैंने जहाँ पे बोला था जहाँ तक मार्केट जाने की पॉसिबिलिटीज़ है, ये मैंने मंडे के वीडियो के लिए बनाया था 300 का सपोर्ट लेवल। आज मार्केट ने वहीं पे हमें सपोर्ट लेते हुए दिखा था और 400 के पास से फिर से नीचे गया था। मैंने बोला था कि जब भी अभी एक ऊपर के लेवल निफ्टी में मिलेंगे तभी हमको एक सेलिंग की पोजीशन बनानी है और ऑप्शंस में पुट बाय करके रखना है। लेकिन बहुत टाइम तक मार्केट जो है वो कंसोलिडेशन फेज़ में रहा था, तो इतना ज़्यादा ऑप्शंस में फ़ायदा नहीं हुआ था क्योंकि ऑप्शंस के प्रीमियम बहुत जल्दी डीके हो जाते हैं। लेकिन हम जो अभी स्ट्रैटेजी यूज़ करने वाले हैं उसमें हमें यही चाहिए कि ऑप्शंस के प्रीमियम्स जो है वो डीके हो जाए, क्योंकि हमें ऑप्शंस जो है वो सेल भी करने हैं। इस वजह से हमें ये स्ट्रैटेजी अभी यूज़ कर लेनी चाहिए क्योंकि ये राइट टाइम है, ऐसे मुझे लग रहा है। निफ्टी में डाउन ट्रेंड चालू है, इसके लिए मैंने ये स्ट्रैटेजी के ऊपर वीडियो अभी बनाया है, क्योंकि बहुत बारी लोगों ने मुझे कहा था कि ऐसे स्ट्रैटेजी के ऊपर वीडियो बनाओ या फिर हमारे लिए कुछ एजुकेशन पर्पज़ में वीडियो बनाओ। तो दोनों पर्पज़ में ध्यान रख के मैंने ये वीडियो अभी बनाया है। तो अगर हम लोग ऑप्शन डेटा देखें तो ऑप्शन डेटा में सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट फ़िलहाल 11,600 के स्ट्राइक प्राइस के ऊपर और 500 के स्ट्राइक प्राइस के ऊपर कॉल साइड में दिखाई दे रहा है। वही अगर पुट साइड में हम लोग देखें तो सबसे ज़्यादा जो ओपन इंटरेस्ट खड़ा है वो खड़ा है 300 के लेवल के ऊपर, जिसके वजह से 300 का लेवल जो है वो मार्केट ने नहीं तोड़ा। सो अभी ये जो स्ट्रैटेजी है अगर हम देखें, सो इनिशियल साइंस सजेस्ट दैट ऑप्शन राइटर्स आर नॉट गेटिंग वरीड एंड दैट इज़ अ गुड साइन। सो हाउएवर द मेन रिवर्टिंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द रिस्क इंडेक्स डज इंडिकेट अ पोटेंशियल थ्रेट। सो अभी लॉन्ग पुट बटरफ्लाई स्प्रेड इज़ अ रेंज बाउंड स्ट्रैटेजी दैट ऑफर्स डिसेंट रिवॉर्ड टू रिस्क एट अ लो कॉस्ट। अंडर दिस स्ट्रैटेजी वी सेल टू पुट्स क्लोज टू द एक्सपेक्टेड लेवल इन साइट ऑन द लोअर साइड एंड बाय इक्विडिसेंट पुट्स वन ऑन द हायर एंड वन ऑन द लोअर साइड ऑफ द स्ट्राइक सोल्ड। सो मैं ये वीडियो जो है वो इंग्लिश में इसीलिए बना रही हूँ क्योंकि इंग्लिश में बहुत सारे लोगों के कमेंट्स आते हैं कि इंग्लिश में बनाओ तो उनका भी थोड़ा बहुत फ़ायदा हो जाए, ऐसा मेरा मानना है। क्योंकि हर बारी मैं वीडियो जो है रेगुलरली बनाती हूँ वो हिंदी में बनाती हूँ तो उनको समझने में भी थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, तो मैंने सोचा ये वीडियो मैं हाफ हिंदी और हाफ इंग्लिश दोनों में बनाऊँ ताकि सबको समझे और सब ही प्रॉफिट करें। सो एज वी आर ट्रेडिंग वीकली ऑप्शंस फास्टर टाइम डीके विल बी बेनिफिशियल टू दिस स्ट्रैटेजी। सो मैक्सिमम प्रॉफिट इज मेड इफ़ द इंडेक्स क्लोजेस एट द स्ट्राइक ऑफ द ऑप्शन सोल्ड। तो अभी हम लोग क्या करने वाले हैं, तो यहाँ पे जो है वो स्ट्रैटेजी आप अपने रिस्क के ऊपर अप्लाई करोगे। मैं सिर्फ आपको एक एग्जांपल के तौर पे बता रही हूँ कि ये स्ट्रैटेजी का उपयोग आप कैसे कर सकते हैं। सो अभी यहाँ पे स्ट्रैटेजी कैसी है, तो आपको 11,400 पी के वन लॉट बाय करना है एट करंट प्राइस और 11,300 पी के दो लॉट सेल करने हैं। आप ध्यान से सुनिए, 11,400 पी का आपको एक लॉट बाय करना है 25 जुलाई की एक्सपायरी का और आपको 11,300 पी के दो लॉट जो है वो सेल करने हैं और 11,150 पी का एक लॉट बाय करना है दिस एक्सपायरी का। आप लोगों ने ध्यान से सुना होगा ऐसा मैं मानती हूँ, फिर से मैं एक बार रिपीट करती हूँ, 11,400 पी का एक लॉट बाय करना है 25 जुलाई एक्सपायरी का, 11,300 पी के दो लॉट सेल करने हैं
एंड 11,150 P का एक लॉट आपको बाय करना है। तो आपको इसमें जो भी डाउट्स है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए और मैं आपको आपके डाउट्स जो है वो क्लियर कर दूंगी। आई होप कि आपको स्ट्रेटेजी है वो समझ में आ गई होगी। मैंने ट्राई किया है कम से कम टाइम में इस स्ट्रेटेजी को समझाने के लिए, क्योंकि मेरे पास दो वीडियो एक दिन में बनाने के लिए टाइम नहीं होता है। फिर भी मैंने ये ट्राई किया है कि आपको ये स्ट्रेटेजी समझे। पहले भी मैंने ऐसे सोचा था लेकिन टाइम ना होने के कारण सिर्फ एक ही वीडियो मैं बना सकती हूँ दिन में। तो अभी मैंने ट्राई किया है कि दो वीडियो आज आ जाए। तो अभी जो पहला वीडियो निफ्टी और बैंक निफ्टी के एनालिसिस के ऊपर रहेगा, वो वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो उसका लिंक आई बटन में दे दूंगी। और अभी ये सेकेंड वीडियो है आज के दिन के लिए। सो बस थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो एक लाइक ज़रूर कर देना, और वीडियो बहुत ज़्यादा अच्छा लगा है तो शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर देना। सो मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड ट्रेड केयरफुली।